हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और सुबह सुबह आज है ना, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो सुबह का मेरा सारा काम, घर का जो क्लीनिंग का होता है रोज़ का, वो कंप्लीट हो चुका है। और पूजा भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन बाल वगैरह मैंने सही नहीं किए थे, तो वो मैं अभी सही कर रही हूँ। और नहा के सीधे है ना, मैं पहले पूजा करने जाती हूँ, उसके बाद ही दूसरा कोई काम करती हूँ। तो अभी बस यहाँ पे है ना, मैंने अपने बालों का जूड़ा कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बारिश बहुत कम पड़ी है इस बार, तो गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि मैं हमेशा बालों को ना ऊपर की ओर टाई करके रखती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। और आजकल बच्चों की छुट्टी है, तो सब लोग घर पर ही रह रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो न्यू साड़ी मैंने ली थी ना, आज मैंने इसको पहना है, बहुत ही अच्छी साड़ी है सच में। इसका कपड़ा देखिए, इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना एकदम। और देखिए ये ना हल्की सी जो सीक्वेंस टाइप की होती है ना, उस तरह का ये इफेक्ट दे रही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ये मोती से लगे हुए हैं ना, ये मोती और ये सितारे, ये ब्लैक सितारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, झिलमिल हो रहे हैं। और देखते हैं दिया बढ़ गया कि चल रहा है। यस, दिया तो बढ़ गया, धूप बत्ती अभी चल रही है। सो चलते हैं किचन में और चल के खाना बनाते हैं। ये बच्चे आज छुट्टी है तो देखो क्या खुलना है, व्हाइट वाला। मुझसे खुद नहीं खुलते, इसके कलर इतने टाइट है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तेल गरम हो गया तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, उसके बाद मैं डालूँगी प्याज और लहसुन मैंने काट के रखे थे वो, तो पहले मैंने लहसुन डाला है, सॉरी प्याज नहीं डाली है। और इसके बाद है ना, यहाँ पे मैंने डाली है हरी मिर्च, और ये हरी मिर्च काफ़ी तीखी थी। और हाँ, इस सब्ज़ी में मैंने प्याज नहीं डाली है, तो क्योंकि मैं हर बार प्याज की बनाती हूँ ना, तो मेरे मुँह से वही निकला, तो मैंने केवल लहसुन से ही तड़का दिया है। और इनको अच्छी तरह से ना ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ग्वारफरी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। सो यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डालकर पहले इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो उससे क्या होता है कि आलू का जितना भी मॉइस्चर होता है, हरी सब्ज़ी का जितना भी मॉइस्चर होता है ना, सब्ज़ी उसी से बन जाती है, एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। और इन सब्ज़ियों में वैसे भी अगर आप पानी डाल दोगे ना, तो फिर अच्छा टेस्ट आता ही नहीं है। सो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पकने आ गई है, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और ये वाला जो लाल मिर्च पाउडर है ना, बहुत तीखा है, इसलिए मिर्ची बहुत कम डलती है। और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला के बस 2 मिनट पकाऊंगी और सब्ज़ी यहाँ पे बन जाएगी। और सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आज का खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो मैंने कहा कि कम से कम सब्ज़ी तो थोड़ी सी लाइट रखते ही हैं। सो यहाँ पर है ना, मैं फटाफट से बना रही हूँ मोलू के लिए पूड़ियाँ और भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ना भगवान जी को भोग लगा दूंगी ठाकुर जी को, उसके बाद मोलू के लिए मैं पूड़ियाँ बना दूंगी। और अभी जय तो स्कूल में ही है, क्योंकि हमारे भी स्कूल में अभी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह चल रही है, तो सॉरी एग्ज़ाम चल रही है, और आरू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है 2 दिन से, क्योंकि उनकी भी एग्ज़ाम आने वाली है, सो वो 2 दिन से घर पर ही हैं। तो इस वजह से क्या है कि मेरा खाना पीना भी आज थोड़ा लेट बन रहा है, नहीं तो सुबह ही सुबह 6 बजे खाना बन जाता है। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ पहले बना ली थी, उसके बाद फिर मैं आगे कुछ और भी, यानी जैसे कि खीर वगैरह पूड़ी के साथ बनाते हैं, तो वो बना। यहाँ पर अभी बन रही है खीर, खीर बनाई है मैंने, बनने रख दी है, खीर यहाँ बन रही है, तब तक मैं जा रही हूँ छत पे, यानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। मैंने लॉन्ड्री बैग में कितने सारे कपड़े रखे हैं। हाँ बेटा, आरू लगी है तोते को, वो खिला रही है नमकीन, सेवा में लगी रहती है। आवाज़ धीमी रखो ना, मैं आती हूँ तब तक ये कपड़े सुखा कर। अरे वाह, मेरा मोटरसाइकिल चला रहा है, हैं मोटरसाइकिल चला रहा है मोलू। कपड़े सुखा दूँ मैं, क्योंकि अभी और धुल रहे हैं, तब तक ये सूखेंगे। बड़े बड़े कपड़े, इनको तो रूम में ले जाना पड़ेगा मुझे। तो अभी बच्चों के खाने पीने की मुझे कोई टेंशन थी नहीं, सब्जी बन चुकी थी, पूड़ी बन चुकी थी, और अभी खीर बन रही है, तो बच्चे तो खा पी के फ्री हैं, और जब खीर बन जाएगी तो फिर खीर खा लेंगे। तब तक मैंने सोचा कि कपड़े जो सुबह धो लिए थे सारे मैंने, तो इनको अच्छी तरह से मैं ना ऊपर सुखा कर आती हूँ, तो धूप में तो नहीं सुखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि जो जिस तार पर मैं कपड़े सुखाती थी, बंदरों ने उसका पूरा जो पिलर है ना वही उखाड़ के फेंक दिया, तो अब ये चादर वगैरह भी मैं अंदर ही सुखाऊँगी। और उसके बाद
बाद जो रेगुलर जो कपड़े पहनने के हैं या फिर समझिए कि जो छोटे कपड़े हैं तो उनको यहाँ मैं स्टैंड पे सुखा दूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि सुबह की धूप आप देख सकते हैं, अभी सीढ़ी के पास धूप आ रही है, तो सुबह की धूप आती है, उसके बाद यहाँ जब शाम को ढलती है धूप तब भी थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, तो उससे क्या है कि कपड़े थोड़े से है ना मेरे कड़क सूख जाते हैं। सो बस यही है कि अभी तो इसी स्टैंड से मेरी जान बच रही है, और इससे क्या होता है कि मेरे कपड़े फटते भी नहीं हैं, बंदरों से बचे रहते हैं और सूख भी जाते हैं। और फिर यहाँ पर है ना मेरा 2400 घंटे एक पंखा चलता रहता है कपड़े सुखाने के लिए। अब ये जो है ना लाइट बिल, ये समझिए कि मुझे फिजूल में देना पड़ता है, केवल कपड़े सुखाने के लिए मुझे अपने फ़ैन को दिन रात चला के रखना पड़ता है, क्योंकि बिना फ़ैन के कपड़े ढंग से सूखते नहीं हैं, उनके अंदर अजीब सा गीलापन रहता ही है, और प्रॉपर धूप तो अंदर आती नहीं है, हल्की हल्की धूप की परछाई जैसी आती है। सो इसी से काम चलाना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं। जब भी ऊपर आती हूँ तब है ना मैं एक बार अपने पौधों में थोड़ी सी नज़र डाल ही लेती हूँ कि कौन सा पौधा कैसा है, किसी में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा, किस पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने पौधों को देखना। और उसके बाद ये जो कल के कपड़े थे जो कि सूख गए थे वो नीचे लेकर जाने हैं, क्योंकि है ना मैं ऐसा ही करती हूँ, एक बार के कपड़े सुखाती हूँ तो दूसरी बार के ले जाती हूँ नीचे। और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो मेरे कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे सारे दिन में बहुत बिगाड़ते हैं कपड़े और फिर उनको धोने डाल देते हैं। और अब मैं यहाँ पर नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि खीर पक रही थी, तो मुझे डर लग रहा था ऐसा ना हो कि कहीं खीर लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी मैं खीर के लिए निकाल रही हूँ काजू और बादाम, तो मैं हमेशा खीर में ना काजू बादाम तो डालती हूँ, आप चाहें तो गोला भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आरू मेरी काजू मांग रही है, तो मेरी आरू को और मोलू को दोनों को काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दोनों को दे दिए काजू खाने के लिए। तो इस बहाने क्या है कि बच्चे खा लेते हैं, वरना कहाँ बच्चों को, तो यूँ मानिए कि बच्चों के पीछे पीछे लगना पड़ता है तब बच्चे खाते हैं। सो यहाँ पर अभी खीर के अंदर मैं ना काजू बादाम जो डालने हैं उनको कट कर रही हूँ, और अगर आप खीर में काजू बादाम और केसर डालते हैं, पिस्ता डालते हैं, तो खीर का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ केसर वाली खीर। तो अब यहाँ पर है जय भी स्कूल से आ चुके हैं, तो अब मैं जय के लिए गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि पहले जो पूड़ियाँ मैंने बनाई थी वो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, अब थोड़ा सा आटा रह गया है तो इसमें से बस जय के लिए और दोबारा से बच्चों के लिए बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को तो सारे दिन भूख लगती है। सो यहाँ पर है ना अभी मैं फटाफट से पूड़ियों की जो लोइयाँ हैं वो रेडी कर रही हूँ, और अब मैं डालूँगी खीर के अंदर थोड़े से केसर, तो केसर से ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, और खीर का कलर भी बहुत अच्छा आता है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी केसर डाली है, और इसको भी 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद फिर खीर भी रेडी हो जाएगी।
और क्योंकि है ना अब जे स्कूल से आ चुके हैं ना, तो उनको बहुत उतावल होती है खाने की कि जल्दी जल्दी बना दे और जल्दी मुझे दे दे। तो बस अभी फटाफट से खीर बन रही है, फिर उनके लिए मैं थाली लगाती हूँ, खाना लगाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सलाद पूरा टोटल टोटल मिला के सलाद। आलू को ना बहुत पसंद है चावल की खीर है। आलू बहुत ही ज्यादा फेवरेट फूड में नाम आता है। ये खीर खाती नहीं थी, एक दिन इसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती इसके मुंह में मैंने चम्मच से खीर खिलाई थी ना, उस दिन से बोलती है मम्मी खीर तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर है ना आरू के लिए खीर ठंडी करके रखी है। और पता है बच्चों के साथ है ना कोशिश तो बहुत करती हूँ कि सब कुछ संभाल लूँ, उनको अच्छे से खिला दूँ, लेकिन बच्चों के साथ तो ना ज़बरदस्ती ही करनी पड़ती है, तभी बच्चे खाना खाते हैं। और अब ये शाम का टाइम हो चुका है, यानी 3:30-4 बजे का टाइम है। और देखिए पूरे घर को बच्चों ने सर पे उठा रखा था, आज पूरा घर इतना गंदा किया है, आप देख सकते हैं कि कितना सारा कूड़ा निकला है घर से। तो 2 बच्चे हैं घर में, फिर भी ये 2 बच्चे हैं ना 4-5 बच्चों वाला काम करते हैं और पूरे घर को सर पे उठा के रखते हैं। और देखिए घर में क्या हालत कर रखी है। सो अभी है ना मैंने फिर दोनों बच्चों को बोला कि अब थोड़ी देर के लिए तुम लोग बाहर जाओ, मैं घर में झाड़ू लगा लूँ। और आप देख सकते हैं कि कूड़ा कितना सारा निकला है। आप सोचोगे कि मैंने सुबह झाड़ू पोंछा ही नहीं लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे घर में होते हैं ना तो उस दिन मेरे घर में इतना ही कूड़ा निकलता है। और सबसे ज़्यादा गंदगी करता है मोलू, क्योंकि वो कहीं भी ड्राइंग करेगा, कभी पढ़ेगा, कभी कुछ करेगा, तो वो इतनी चीज़ें फैलाता रहता है ना हद से ज़्यादा। तो अभी शाम का टाइम है और वैसे भी शाम को तो झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 टाइम दिन में झाड़ू ना लगाऊँ ना तो मेरे घर में इतनी मिट्टी आ जाती है ना पैरों से कि पैर ज़मीन पर रखने का मन भी नहीं करता। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है, उसको साफ़ करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है। झाड़ू लगाने में भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाती है, कहो ज़्यादा ही लग जाती हो, क्योंकि अभी मैं केवल घर के नीचे वाले पोर्शन में ही झाड़ू लगा रही हूँ। ऊपर तो मैं अभी गई भी नहीं हूँ, आज तो मैंने ऊपर कोई भी सफाई की ही नहीं है, केवल कपड़े लेने गई थी और गार्डन में गई थी बस, इससे ज़्यादा ऊपर का मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया है।
तो अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाते लगाते आने में पूरा पसीना पसीना हो गया और घर इतना बड़ा हो गया है अब कि साफ करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। पहले क्या था कि बाहर का पोर्शन था वो खुला रहता था तो इतना गंदा भी नहीं होता था, अब मार्बल लग गए हैं तो वो उसकी वजह से शायद और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर पानी वालों का काम रहता है पानी का, तो सारे दिन गेट भी खुला रहता है, सबका आना जाना रहता है बाहर, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर को साफ रखूँ। देखो हमारा मिट्टू कैसे हमारे साथ खाना खा रहा है, उसको पिंजरे में कोई चीज रख के दो ना तो नहीं खाता है, बहुत नाटक करता है और हमारे साथ बैठ के खाता है। खीर खा रहा है, देखो खीर पिंजरे में बिल्कुल मत डालना। हाँ नहीं डालेंगे पिंजरे में, देखो खीर खा रहा है। शौकीन है, पूरी सब्जी वहाँ फेंक दी, नहीं खानी पूरी सब्जी, सुबह से खा रहा है ना, अब देखो ये खा रहा है। ज्यादा खा लेता है फिर पोटी करके घूमता है पूरे घर में, तो पिंजरे में डाल देना पूरा घर गंदा करेगा नहीं तो ये। हाँ देख तो तेरे बारे में बात हो रही है, देखो दूध पी रहा है खीर खा रहा है। मिट्टू खीर अच्छी लगी? मम्मी पिंजरे में मत डालना। हाँ मुलू शांत रहे, और खाएगा भाई और खाएगा, खत्म हो गई उसकी चम्मच में खीर खत्म हो गई। कंधे पे लगती है इससे, तू अनजाना है इसलिए तेरे से भाग रहा है। कौन आया मिट्टू, कौन आया तेरे पास, कौन आया, ये कौन आ गया, ये कौन सर पे अंदर। ओए मैंने कब ब्लाउज है ना लग रही है मेरे, अब आ जा। तुझे देख के डर रहा है, तू नया इंसान है ना, ऐसे गया आ जा, तेरी स्टोरी लगा दूंगा इंस्टा पे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, और शायद आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो क्योंकि मेहनत तो बहुत करती हूँ फिर भी व्यूज़ नहीं आते, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखिए मिट्टू किस तरह से आरू के शोल्डर पर बैठा हुआ है और वो इसी तरह से खेलता रहता है, पिंजरे में तो जाता ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, लव यू।